नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हम संधिवात का जो एक प्रकार है जिसको आमवात नाम से जाना जाता है, मॉडर्न में उसको रूमेटिज्म कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि आमवात शब्द से डेफिनेटली क्या जानना चाहिए तो उसके बारे में थोड़े से आखिर में मैंने ज्यादा चर्चा अच्छी की है। तो जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके पहले आमवाद के बारे में और रूमेटिज्म के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हम करेंगे। तो चालू करते हैं वीडियो, आगे चलते हैं। ये देखिए, आमवाद शब्द कहाँ यूज कर सकते हैं और कहाँ वैद्य लोग यूज करते हैं इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ज्यादातर आमवाद कह के सब लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं। मैं और मेरे जैसे और कुछ विद्वान वैद्य जो है वो कहते हैं कि उसकी दो तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, मॉडर्न की और आयुर्वेद की। एक रूमेटिक फीवर नाम की एक बीमारी है, ये भी एक गठिया मतलब संधिवात की बीमारी है। 5 से 15 उम्र की जो लड़के होते हैं उनको पहले टॉन्सिलाइटिस की शिकायत होती है, गले में खराश होती है, फाइरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस शिकायत, टॉन्सिलाइटिस, और वो बीमारी दूर होने के बाद कुछ कंप्लीट ट्रीटमेंट या कुछ इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट उपचार करने के बाद कुछ लड़कों में पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन बन जाता है और उसके द्वारा यह संधिवात हो जाता है जिसका नाम है रूमेटिक फीवर। उसमें बहुत ज्यादा तेज बुखार होता है और बड़े बड़े जो जॉइंट्स है हमारे, जैसे नी जॉइंट है, कमर का जॉइंट होता है, हाँ ये हमारे जो स्कंध है मतलब शोल्डर जॉइंट्स है, बड़े बड़े जॉइंट्स अफेक्ट हो जाते हैं। और हमारी खून की जांच करवा ली तो उसमें आप क्या पाएंगे, तो उसमें आप ASO टाइटर नाम की खून की जांच है वो पॉजिटिव आ जाती है। हाँ, और इसमें 100% क्यूर है। जब हम अच्छी डायग्नोसिस करते हैं तो 100% हम 100% उसका उपचार हम कर सकते हैं, टोटली क्यूरेबल है। फिर जो लोग आधा अधूरा उपचार करते हैं उन जो बच्चे हैं उनको तारुण्यावस्था में जब वो एडल्ट हो जाएंगे तो कई दफा उनके हृदय में मैटल वाल्व की शिकायत पैदा हो जाती है, कार्डियोपैथी बन जाती है, हृदय की शिकायत हो जाती है एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ इम्प्रॉपरली ट्रीटेड रूमेटिक फीवर। समझ गई बात? तो रूमेटिक फीवर मेरे ख्याल से 100% आमोवाद में अब मतलब उसका कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आमोवाद जो है ना जिसको बोलते हैं कि स्रोतोरोध हो जाता है, बल भ्रंश हो जाता है, गौरव अनिल मूढ़ता, आलस्यापक्ति निष्ठी व मलसंग रुचिक्रमा, गड़बड़ी मत, गड़बड़ी मत, भाग कर मत जाइए, संस्कृत का अर्थ मैं बताने वाला हूं। संस्कृत का स्रोतोरोध कर, जब पूरे शरीर में जाम, चक्का जाम हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, स्रोतो अवरोध हो जाता है आम की वजह से, क्योंकि आम एक टॉक्सिन जैसी शिकायत है जो बैक्टीरियल टॉक्सिन भी हो सकता है और अंदर से अपचित अन्न के द्वारा भी आम मतलब एक टॉक्सिन पैदा हो सकता है। और वात का जो मूवमेंट है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, उसमें थोड़ी सी रुकावट, स्रोतोरोध हो जाता है, बल भ्रंश, ताकत पूरी चली जाती है, जबरदस्त वीकनेस आ जाता है, आम की वजह से बुखार आता है, तेज बुखार, यह आम का एक लक्षण है। गौरव, पूरे शरीर का बदन दर्द होता है, हेवीनेस महसूस होता है। हाँ, स्रोतोरोध, बल भ्रंश, गौरव, अनिल मूढ़ता, जो भी वात की मूवमेंट्स यहाँ वहां होने वाली है वो संधि के दौरान हमारे हाथ पैर हिला नहीं सकते, हम जॉइंट लॉक हो जाते हैं। हाँ, गौरव अनिल मूढ़ता, आलस्य, आलस्य का मतलब है पूरा लेजीनेस आ जाता है, अपक्ति, अपक्ति का मतलब पचन अच्छी तरह से नहीं हो पाना, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब शिकायत रूमेटिक फीवर का आमावाद के ताल्लुका दिखा देती है। उसके साथ एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शिकायत है जो ज्यादातर वैद्य ऐसे मानते हैं कि आमावाद मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मैंने बता दिया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस आमावाद का कंपेयर कर सकते हैं, रूमेटिक फीवर ज्यादा कंपेयर होता है। रूमेटॉइड की बीमारी गठिया, ये बीमारी कैसी, यंग एज में पाई जाती है, मिडिल एज में पाई जाती है, 25 to 45 ईयर्स में ये संधिवात की बीमारी हो जाती है। इसका कुछ वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, उसको ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। हमारी खुद की व्याधि प्रतिकार क्षमता, हमारे जो एंटीबॉडीज है हमारे शरीर के ऊपर ही हमला बोल देते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। ये आमावाद जो रूमेटिक फीवर था वो बड़े बड़े ज्वाइंट्स अफेक्ट हो गए थे। फिर रूमेटॉइड में ये जो छोटी अंगुली वाले जॉइंट्स होते हैं ना, जिसको मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट्स बोल सकते हैं या इंटरफेलिंजियल जॉइंट्स बोल सकते हैं, यहाँ शिकायत ज्यादा होती है। हाँ, छोटे वाले जॉइंट्स पूरे शरीर में उधर से चालू हो जाता है और बाद में पूरे शरीर शरीर में फैल जाता है।
बाद में बड़े ज्वाइंट्स भी अफेक्ट हो जाएंगे। शुरुआत कैसी होती है बीमारी की, तो छोटे ज्वाइंट्स अफेक्ट हो जाते हैं, समझ गई बात। तो ये मॉर्निंग स्टिफनेस भी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण उसमें मिलता है, और इसका आरए पॉजिटिव नाम की एक खून की जांच तपास है, वो पॉजिटिव आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस 100% और परमानेंटली क्योर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भैया। मतलब ऐसा कोई भी बोले होम्योपैथी आयुर्वेद वाला एलोपैथी वाला कि हम पूरा निकाल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यस यू कैन कीप इट अंडर कंट्रोल फॉर ए लॉन्गर टाइम, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, वेगावस्था और अवेगावस्था, जिसको बोलते हैं रिलैप्स, दर्द या शिकायत बढ़ जाना, सूजन बढ़ जाना संधि जॉइंट्स की, और कम हो जाना, फिर बढ़ जाना, फिर कम हो जाना। तो ये जो अटैक्स आते हैं संधिवात के, दर्द के, सूजन के, वो कभी कभार दर हफ्ते आ जाता है, कभी महीना में आ जाता है। तो इसकी जो ड्यूरेशन है वेगावस्था की, बार बार आने की शिकायत, तो ड्यूरेशन और इंटेंसिटी बिल्कुल हम कम कर सकते हैं आयुर्वेद के द्वारा। ध्यान से सुनिए, मेरा खुद का ये इसके ऊपर रिसर्च है, मैंने पाया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में गुडुचि का महत्व अनन्य साधारण है। जो भी वैद्य, जो भी डॉक्टर, जो भी पेशेंट ये देख रहे हैं, उन्होंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए अमृतादि गुग्गुलू लिख कर रखिए, आप अमृतादि गुग्गुल या कैशोर गुग्गुल का इस्तेमाल करना ही करना है, और बार बार करना है, बार बार, थोड़ा सा बीच में एक पॉज लेना है, स्टॉप करना है, फिर चालू कर देना है, बिल्कुल लाइफ लॉन्ग आप ले सकते हैं। स्टीरोइड्स के बजाय कितने 100% बेहतर है, क्योंकि रूमेटॉइड में मॉडर्न में ज्यादातर ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिकली वो एनसीड्स देते हैं, नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, फिलहाल वो देने में कोई गलत चीज नहीं है, फिर वो स्टीरोइड्स की लत लग सकती है पेशेंट को, और उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो न लगने के लिए गुडुचि घनवटी हमेशा लेते रहिए जिनको, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। और एक बात, ये पित्त प्रधान व्यक्ति को ज्यादा तकलीफ देता है, जो पित्त प्रधान खाना पीना है या जीवन शैली है, उसके द्वारा ये बीमारी बढ़ती है। तो आपको तेज तीखा बिल्कुल नहीं खाना है, सावर सॉल्टी अवॉइड करना है, हॉट बिवरेजेस, चाय कॉफी या हॉट जो सब्सटेंसेस है, मतलब उष्णता निर्माण करने वाले, मद्यपान हो या स्मोकिंग हो, ये सब वाइसेस आपको स्टॉप करनी, व्यसन कम करना है। तो अभी देखिए, ये आरए में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी जब एक्यूट अवस्था होती है वेगावस्था, उसमें हम आमावाद की तरह उसको ट्रीट करेंगे। फिलहाल जब वेगावस्था चली जाएगी, रिलैप्स चला जाएगा, पेशेंट रिमिशन में आ जाएगा, थोड़ी शांति मिल जाएगी, गुड डेज एंड बैड डेज ये भी हम कह सकते हैं। तो बैड डेज जब दर्द, सीवियर दर्द है, सीवियर पेन है, तो आमावाद की जरूरत वैसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर वो जब कम हो जाएगा, अटैक कम हो जाएगा, तो हम वात रक्त की तरह उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए, पित्त शामक उपचार करना चाहिए। उधर गुडुचि का महत्व अनन्य साधारण है। अभी हम ये सब की जो आमावाद की जो चिकित्सा है, रूमेटिज्म की क्या देखना है आयुर्वेद में, देखते हैं। जब आम और वात दोष एक साथ प्रकुपित होकर शरीर के कोष्ठ त्रिक प्रदेश और संधियों में प्रविष्ट होकर शोथ, इडिमा, इन्फ्लेमेशन, शूल, पेन, स्तब्धता, हाँ, जखड़न उत्पन्न करते हैं, तो आमवात व्याधि बता दिया जाता है। दिव्य पतंजलि का सर्वकल्पकवात की पाउडर लानी है आपको, पीड़ांतक वात की भी पाउडर मिल जाएगी फ्रेश, आपको काढ़ा बनाना है, डिकॉक्शन बनाना है, दोनों औषधियों को मिलाकर एक चम्मच की, चाय जैसे बनाते हैं ना, एक चम्मच की मात्रा में लेकर 400 पानी में पकाना है, 100 मिलीलीटर शेष रहने पर छान कर सुबह और शाम को खाली पेट ये काढ़ा लेना है आपको। उसके साथ कुछ पाउडर ही लेनी है, आम अजमोदादि चूर्ण है और आमवातारी रस है, आधा आधा चम्मच अजमोदादि चूर्ण एवं आमवाता रस की दो दो गोलियां प्रातः और सायं, ये ऊपर जो बकवात बताया उसके साथ आपको लेना है। उसके साथ और भी कुछ दवा है, जैसे कि महावात विध्वंसन रस 5 ग्राम, दिव्य प्रवाल पिष्टि 10 ग्राम, दिव्य स्वर्णमाक्षी भस्म, प्रवाल पिष्टि तो आप जानते हैं पित्त को कम करता है, इन्फ्लेमेशन कम करेगा, स्वर्णमाक्षी भस्म ताकत दिलाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा 5 ग्राम, गोदंती भस्म 20 ग्राम, अमृत गुडुचि दिया है 20 ग्राम, और बृहतवात चिंतामणि रस, ये बहुत बढ़िया ड्रग है, फिर थोड़ा कॉस्टली है, 1 से 2 ग्राम। ये सब औषधियों को मिलाकर आपको 60 पुड़िया बनाकर प्रातः नाश्ता एवं रात्रि भोजन से आधा घंटा पहले आप पानी के साथ या जल के साथ सेवन कर सकते हैं। इसका साइज थोड़ा सा आपके लिए बढ़ा देता हूं, तो आपको पढ़ाने में, पढ़ने में थोड़ी आसानी आ जाएगी। क्या लिखा इधर, ये देखिए, थोड़ा सा भी बेटर है पहले से, ठीक है ना। अभी बात कुछ दवाइयां हैं, देखिए सिंहनाद गुगलू,
सिंहनाद में रिसिनस ऑयल है, कास्टर ऑयल। इसका एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता। वैसे तो सामावस्था में जब आम होता है ना, तो आयुर्वेद बोलता है तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, तेल और घी का इस्तेमाल, फैटी सब्सटेंसेस इस्तेमाल नहीं करना है। इसके लिए एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, दैट इज एरंड तेल, रिसिनस ऑयल। और ये सिंहनाद गुग्गुल में है, क्योंकि एक श्लोक सिर्फ जरा सुनने की कोशिश कीजिए। आम वात गजेंद्रस्य शरीर वन चारिणा एरंडम निहंती। तो उसको बोला है कि आम वात गजेंद्र से शरीर वन चारिणा एक एवरा गृहणी एरंड स्नेह केसरी। तो एरंड स्नेह सिंह के जैसा काम करता है और वो आमवात को काबू में लाता है, ऐसा एरंड के बारे में आयुर्वेद में आमवात में कहा गया है। तो एरंड तेल आप दे सकते हैं, चंद्र प्रभावटी और पुनर्नवादी मंडू। तो एक एक गोली लेनी है आपको, तीन गोली सुबह प्रातः, तीन गोली नाश्ता, दोपहर भोजन, लंच के बाद और सायं भोजन के बाद, घंटे बाद गुनगुने जल के साथ सेवन कर सकते हैं। सप्ताह में एक दिन एक गिलास गोदुग्ध में 20 ml, जैसे अभी कहा मैंने, एरन का तेल रिसिनस ऑयल रात को सोने से पहले सेवन करने से आमवात रोगी को चमत्कारिक मतलब बेहतरीन लाभ मिलता है। आमवात रोग में शोथ को कम करने के लिए रुक्ष स्वेद, ध्यान से सुनिए, स्वेदन फोमेंटेशन दो तरीके से दे सकते हैं, स्निग्ध स्वेद और रुक्ष स्वेद। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, स्निग्ध स्वेद नहीं। बालू, एरंड बीज, सैंधव नमक, अजवाइन मिलाकर पोटली बनाकर आपको सेंक देना है सांधे के ऊपर। इसके अतिरिक्त पीड़ांतक तेल नाम का तेल है, प्रभावित स्थान पर लगाकर एरंड या अर्क के पत्ते को सेक कर बांधने से विशेष लाभ मिलेगा। आगे चलते हैं। इसके बाद है कि हमेशा की तरह किसी को भी कौन सी भी हेल्थ के बारे में शिकायत है तो आप जरूर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630 के ऊपर। उसके बाद एजुकेशनल वीडियोस हैं, तो कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। और एक बात, वीडियो लाइक शेयर हमेशा की तरह विनंती देशपांडे सर करते हैं, तो चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्रेस द बेल बटन आइकॉन सो यू कैन गेट द इंटीमेशन ऑफ द इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू सून।